भड़के हुए विराट को सही के लिए क्या कहा पाखी ने। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्म बीट। बात करें सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, तो भाई आपको बता दें आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह विराट जो है सही पर भड़कने वाला है। लेकिन भाई पाखी इस बार पूरा सही का साथ दे रही है, जैसे वो हमेशा से देती आ रही है। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि पाखी की ये सब चाल है ताकि उसका बच्चा विनायक ठीक हो सके, क्योंकि पाखी अपने बिना फायदा के कुछ भी काम नहीं करती है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए पाखी तो जानती है कि विनायक का इलाज है जो सही ही कर सकती है, और विनायक विराट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी पाखी को अच्छे से पता है, क्योंकि विराट और पाखी की शादी भी भाई विनायक के लिए ही हुई थी। इसलिए आप देखेंगे कि किस तरह पाखी जो है विनायक को ठीक करने में लगी हुई है ताकि विराट की भावाई उसे मिल सके। वहीं पे आप देखेंगे कि किस तरह जहां सही को देखकर पूरा परिवार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, लेकिन पाखी है जो भाई विराट से कहेगी कि नहीं सही ऐसा नहीं है, सभी जो है वो काफी छोटी बच्ची है, और जिस तरह से तुम विनायक के लिए परेशान रहते हो बिल्कुल उसी तरह से सही भी परेशान है। वहीं पे पाखी ये भी कहती है कि विराट तुम और सही बिल्कुल एक जैसे हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हो लेकिन तुम दोनों के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए नफरत है जो एक दूसरे के करीब नहीं जाने दे रही। इसी बात पर विराट कहेगा, नहीं हम दोनों एक नाव में सवार नहीं है, वो अलग है और वो मेरे भाई की कातिल है, मैं ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं रख सकता। लेकिन भाई विराट ये भूल गया कि सही ने उसका कितना साथ दिया था, कितना उसके परिवार को संभाला था। लेकिन अब पाखी के चलते आप देख रहे हैं कि किस तरह सही से पूरा परिवार नफरत करने लगा है। वही बात करें अश्विनी की, तो भाई अश्विनी के तो क्या ही कहने, अश्विनी जो है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है और वो बार बार सही के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो सही को जानते ही नहीं है। आप देखेंगे कि किस तरह सई के अंदर आने के बाद भी अश्विनी जो है काफी ज्यादा भड़कती हुई दिखेगी, अश्विनी सई को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। वहीं पे बात करें सभी की, तो वही सभी सबके सामने सई से कह देगी कि मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और भवानी तभी सई को कहेगी कि देखा सुन लिया यहाँ पे सभी जो है बहुत खुश है। अब ऐसे में देखना ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह सई जो है सवी को वहाँ से ले जाएगी, क्योंकि सवी है जो बिल्कुल जाने को तैयार ही नहीं है। सवी बोलती है कि हाँ मुझे आंटी ने डांटा तो था लेकिन पुलिस अंकल ने मुझे बचा लिया, और आपको पता है पुलिस अंकल ने सबसे पहले मुझे केक भी खिलाया। बस विराट की ये फिक्र सवी के लिए देख के सई का दिल फिर से पिघलने वाला है, और शायद फिर से सई जो है सवी को वही छोड़ देगी, क्योंकि सई जो है वो यही चाहती है कि सवी किसी भी तरह खुश रहे, और सवी की खुशियाँ जो है वो चवान निवास में है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि विनायक के साथ सभी की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जहाँ पाखी बार बार विराट को सही के लिए समझा रही है, तो ऐसे में देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि किस तरह विराट जो है वो सही के करीब जाएगा या पाखी के करीब जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।